मेरे दोस्तों को सलाम, मेरी तरफ से भी आपको सलाम। क्या हुआ सारा, क्यों रो रही हो? बेनी, मम्मा ने डांटा है। क्यों भाई, क्या हुआ? देखो ना कितनी गलत बात है, मम्मी ने मुझे कहा था कि तुम पेपर की तैयारी कर लो, और मैंने कर भी ली थी। तो क्या तुमने एग्जाम की तैयारी पूरी की थी? हाँ, बस लैंग्वेज का रहता था थोड़ा सा। थोड़ा सा? सच बताओ। बस लैंग्वेज का रहता था। इसका मतलब तुमने एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं की थी। हाँ। तो डांट तो पड़नी थी। आज की कहानी में भी सौल बादशाह ने पूरी बात नहीं मानी और उनको सजा मिली। अच्छा। बच्चों, खुदावन ने सैमुअल नबी को कहा, साउल बादशाह के पास जा और उसे मेरा पैगाम दे दे। सो सैमुअल नबी साउल बादशाह के पास जाता है और उससे कहता है। सैमुअल नबी ने साउल बादशाह से कहा, आए साउल बादशाह, खुदावन फरमाता है तू अमालीकियों से जाकर लड़, उनको मार और उनको बिल्कुल ख़त्म कर दे, तू उन पर बिल्कुल रहम मत करना, सबको मार देना, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, गाय बैल को, भेड़ बकरियों को, सब कुछ ख़त्म कर देना। साउल बादशाह ने कहा, सैमुअल नबी, मैं खुदावंत के मुताबिक ठीक वैसा ही करूंगा जैसा खुदावन ने हुक्म दिया है, मैं सबको बिल्कुल मार दूंगा। और बच्चों, साउल बादशाह और उसकी फौज जंग करती है और साउल बादशाह की फौज जंग में जीत जाती है। वो अमालीकियों को बहुत मारती हैं, मगर साउल बादशाह और उसके लोगों ने खराब खराब जानवरों को बिल्कुल मार दिया, मगर अच्छे अच्छे जानवर यानी भेड़ बकरियां और गाय बैल वो अपने साथ ले आए, अच्छे अच्छे जानवरों को उन्होंने नहीं मारा। बच्चों, खुदा सब कुछ जानता और देखता है, और खुदा ने देखा कि साउल बादशाह ने खुदा का पूरा हुक्म नहीं माना, और खुदावंद खुदा ने सैमुअल से कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह बनाया और मैंने साउल को हुक्म दिया, पर साउल बादशाह ने मेरा पूरा हुक्म नहीं माना। बच्चों, खुदा को और सैमुअल नबी को साउल बादशाह पर बहुत गुस्सा आया कि उसने पूरा हुक्म नहीं माना। फिर सैमुअल नबी साउल बादशाह को मिलने जाता है और साउल बादशाह सैमुअल नबी को कहता है, खुदावंद का शुक्र हो, हमने जंग जीत ली, हमने खुदा का पूरा हुक्म माना और हमने सबको मार दिया। सैमुअल नबी ने कहा, अच्छा, तूने खुदावंद का पूरा हुक्म माना, पर मुझे जानवरों के जो बोलने की आवाज़ें आ रही हैं, ये कौन से जानवर हैं जिनकी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं? साउल बादशाह ने सैमुअल नबी को कहा, हम अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को जिंदा ले आए हैं, मगर ये अपने लिए नहीं लाए, हम इन जानवरों से खुदावंद के लिए कुर्बानी करेंगे, ये जानवर तो हम कुर्बानी के लिए लाए हैं। सैमुअल नबी ने साउल बादशाह से कहा, आए साउल बादशाह, खुदावंद तुझसे बहुत नाराज है क्योंकि तूने खुदावंद की पूरी बात नहीं मानी, खुदावंद ने कहा था सब कुछ वहाँ पर ख़त्म कर देना, सब कुछ मार देना, मगर तू अच्छे अच्छे जानवर अपने साथ ले आया है, खुदावंद को तेरी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, खुदावंद कुर्बानी से इतना खुश नहीं होता,
बल्कि खुदावंद इस बात से खुश होता है कि उसका पूरा हुक्म माना जाए। आए बादशाह, तूने खुदावंद का पूरा हुक्म नहीं माना, अब खुदावंद तुझसे हकूमत ले लेगा और अब तू खुदावंद की कौम का बादशाह नहीं रहेगा। बच्चों, आज हम सीख रहे हैं हुक्म मानने के बारे में। हुक्म मानना यानी फरमाबरदारी करना, और इंग्लिश में से कहते हैं ओबीडियंस। क्या आपको हुक्म मानना अच्छा लगता है? कभी कभी जब मामा या पापा या कोई भी बड़ा हमें हुक्म देता है तो हम खुशी खुशी हुक्म मान लेते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी जब हमें कोई हुक्म दिया जाता है और हमें वो नहीं करना होता तो वो काम करने के लिए हमें बहुत रोना आता है और हम रोते हैं कि नहीं, मैंने नहीं करना ये। कभी कभी जब हमें कोई हुक्म दिया जाता है तो हमें गुस्सा आ जाता है और हम नहीं करना चाहते वो काम और हम हुक्म नहीं मानना चाहते। और कभी कभी क्या होता है कि हम हुक्म मान भी लेते हैं लेकिन पूरी बात नहीं सुनती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सारा ने किया। उसने मामा का हुक्म तो माना मगर पूरा हुक्म नहीं माना। और हमने कलामे मुकद्दस में से भी सीखा कि साउल ने खुदा का हुक्म तो माना मगर खुदा की पूरी बात नहीं सुनी। तो बच्चों, हमें खुदा का भी हुक्म मानना है, मामा पापा का भी हुक्म मानना है, दादा दादी का भी हुक्म मानना है, अपने टीचर्स का भी हुक्म मानना है और सब बड़ों का हुक्म मानना है। और जब हमें कोई हुक्म दिया जाए तो हमें पूरा हुक्म मानना है। और खुदा का हुक्म हम कैसे मान सकते हैं? जब हम कलामे मुकद्दस को पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें खुदा के हुक्म पता चलते हैं और हम कलामे मुकद्दस को पढ़ के खुदा के हुक्मों को जानकर उन पर अमल कर सकते हैं। तो बच्चों, अब से आपको जो भी हुक्म मिले आपने उसे खुशी से पूरा करना है और मुकम्मल तौर पर पूरा करना है। बच्चों, हम आज की आयत सीखेंगे पहला सैमुअल 15:22। सैमुअल ने कहा, क्या खुदावंद सोक्तनी कुर्बानियों और जबियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? हम फिर से इस आयत को सीखेंगे, पहला सैमुअल 15:22। सैमुअल ने कहा, क्या खुदावंद सोक्तनी कुर्बानियों और जबियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? तूने अच्छा दिन दिखाया, तूने खाने को दिया, तूने पहनने को दिया, तूने एक अच्छा दिन दिखाया। हमेशा तू हमारे साथ अच्छा बता, मेरे मम्मा पापा को ठीक रखा, मेरे बहन भाइयों को ठीक रखा। कोई मुसीबत आती है तो उससे आप उसको मार कर ठान कर देते दांदा, मैं जो मानता मुस्कान। हेलो एवरीवन, डिम्पी इज हेयर अगेन। प्यारे साथियों, गुड्डू और मैं बहुत शौक और ध्यान से कहानी सुनते हैं, है ना गुड्डू? हाँ डिम्पी, सही कह रही हो, आप सब लोग भी ध्यान से कहानियां सुना करें। साउल किस कौम से जंग करने गया? अमालिक से। क्या साउल ने पूरा हुक्म माना? नहीं, साउल ने पूरी बात नहीं मानी। मैं भी मम्मा की कभी कभी पूरी बात नहीं मानती। अच्छा तो बताओ, साउल ने क्या किया? अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैल साथ ले आया। साउल ने सैमुअल के सामने
भेड़ बकरियां और गाय बैलों को लाने का क्या बहाना पेश किया? कुर्बानी के लिए। तो हमें किन किन लोगों की फरमाबरदारी करनी चाहिए? मामा पापा, टीचर्स और बाकी बड़ों की।